हेलो फ्रेंड्स, तो आज कंटिन्यू करते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के साथ। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम आज दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए नहीं, बट बल्कि बीबीए में काफ़ी जगह यूज़ होगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम लोगों की प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कहीं पर भी हम लोग फ्यूचर में लाइक जॉब्स, इंटर्नशिप वगैरह कुछ भी करेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पता होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा होता है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ऑल्दो हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले, एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पे बता देता हूँ प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट में। जो मेरा प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है उसमें बस मैं प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे उसकी फिजिबिलिटी वगैरह टेस्ट नहीं कर रहा, उसको बना नहीं रहा, उसको डेवलप नहीं कर रहा। जबकि डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो डिज़ाइन के वहाँ से सिर्फ स्टार्ट ही नहीं होता, बल्कि आगे भी उसमें काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के साथ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सबसे पहले नाम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है। लाइफ साइकिल हम लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है। लाइफ साइकिल बेसिकली बताता है कि कैसे किसी भी चीज़ की लाइफ चल रही है। ह्यूमंस की भी लाइफ होती है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, फिर उसके बाद हमारा यंग आता है, उसके बाद हम एडल्ट बनते हैं, एडल्ट के बाद बुढ़े बनते हैं, फिर मर जाते हैं। वैसे ही प्रोडक्ट का होता है, सबसे पहले वो आएगा मार्केट में, उसका इंट्रोडक्शन होगा, लोगों के बारे में जानेंगे, उसके बाद में उसे परचेज करेंगे, उसे ग्रोथ मिलेगी, ग्रोथ के बाद एक टाइम आएगा जब हो सकता है कि वो मार्केट के टॉप पे चला जाए, और उसके बाद धीरे धीरे वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिए सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। ये है हमारी सेल्स और ये है हमारा टाइम, यानी कि सेल्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कि हम लोग, मैं जहाँ पे भी करूँगा ना, यहाँ पे हम जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कोई मेरी कंपनी है, कंपनी ने कोई भी नया प्रोडक्ट बनाया, या फिर जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ टाटा का। टाटा ने नैनो को लॉन्च किया था, जो नैनो कार आई थी। नैनो का सब कुछ मार्केटिंग वगैरह सब मैं साइड रख देता हूँ, पहले हम बेसिकली यहाँ पे सेल्स वगैरह की बात करके चल रहे हैं। नैनो का मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, स्टार्टिंग में नैनो आई, इंट्रोडक्टरी स्टेज थी, लोगों को उसके बारे में पता लगना स्टार्ट हुआ। टाटा को उसके लिए इंट्रोडक्शन में काफ़ी पैसा लगाना पड़ा, मार्केट में लॉन्च करने से पहले इन्वेस्ट करनी पड़ी, चाहे इन्वेस्टमेंट वो कैसे भी हो, अल्टीमेटली मेरा कंपनी खर्चा तो कर रही थी ना, कंपनी खर्चा कर रही थी, मतलब अल्टीमेटली लॉस भी कर रही थी स्टार्टिंग में। जैसा कि आजकल के स्टार्टअप्स में भी होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि लाइक एक पॉइंट तक कंज्यूमर को एक्वायर करने के लिए कंपनी अपने पास से पैसा लगाती है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे फूड स्टार्टअप्स होते हैं। भाई आज स्विगी में ये लूट, जोमैटो में वो लूट वगैरह, सब किस लिए आ रही है, बेसिकली वो हमें अपने प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, प्रोडक्ट यूज़ करने पे मजबूर कर रहे हैं। तो वो हमारी हो जाती है इंट्रोडक्शन स्टेज, जब मेरा प्रोडक्ट सिर्फ मार्केट में आया ही आया है और बेसिकली मेरी कंपनी एफर्ट्स कर रही है कंज्यूमर को उसके बारे में बताने के लिए। दूसरी स्टेज आती है ग्रोथ स्टेज, अब मेरा आ गया मार्केट में, चलो आ गया प्रोडक्ट, लोगों को उसके बारे में पता लगना चालू हो गया, पता करने की वजह से क्या हो रहा है, उसकी धीरे धीरे सेल्स बढ़ती जा रही है, सेल्स बढ़ रही है, मतलब अल्टीमेटली मेरे प्रोडक्ट की ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्ट की ग्रोथ हो रही है, तो इसको मैं बोल देता हूँ ग्रोथ स्टेज। उसके अलावा एक चीज और, ग्रोथ में क्या होता है, बेसिकली मेरा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेशन भी स्टार्ट हो जाता है। जो मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट यहाँ पे नेगेटिव था, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद मेरा मैच्योरिटी पे क्या, मैच्योर क्या बोलते हैं कि लाइक एक बैलेंस आ गया, भाई अब मैं कितनी भी मार्केटिंग कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, मेरी एक जगह आके सेल्स कांस्टेंट हो गई, मेरा प्रोडक्ट मार्केट में जम गया, नॉर्मल सी सेल्स मिले जा रही है, मेरे को प्रॉफिट मिले जा रहा है, चीज़ें चलती जा रही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, एक टाइम आता है जब मेरा प्रोडक्ट ऑब्सोलीट होना चालू हो गया, ऑब्सोलीट हुआ तो डिक्लाइन की साइड चला जाएगा, प्रॉफिट उसका कम होता जाएगा अनटिल एंड अनलेस मैं प्रोडक्ट को रीमॉडिफाई या चेंज ना कर दूँ, लेकिन वो एकदम अलग कॉन्सेप्ट है, एक बार हम उसको छोड़ देते हैं, वो डिक्लाइन स्टेज की साइड चला जाएगा और अल्टीमेटली वो मार्केट से वैनिश हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बाद हम लोग चलेंगे अब प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट में। अब हम लोग चलेंगे प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में। जैसा कि मैंने बताया, डेवलपमेंट मेरा बहुत बड़ा चीज़ है एंड डिज़ाइन इसको एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन जनरली हम जहाँ पे भी बात करेंगे हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को साथ लेके चलेंगे। डिफरेंस बस मैंने इसलिए बताया कि अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो लाइक कोई घबराए नहीं, खुद भी अपने हिसाब से आप लोग बना के लिख पाओ। प्रोडक्ट डिज़ाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिकली क्या होता है कि लाइक मैंने देखा मार्केट में किसी चीज़ की ज़रूरत थी, उन ज़रूरत की वजह से मैंने एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर लिया, बना लिया, क्रिएट कर लिया, डेवलप कर लिया। वही आसान शब्दों में मेरा प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का मतलब है। आगे जो भी हम इसकी प्रोसेस वगैरह, ऑब्जेक्टिव वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वो सारी जनरली है एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
अगर मैं इसकी डेफिनेशन आ जाए प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट की, तो वही है क्रिएशन और डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. क्रिएशन और डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट बाय एन कॉन्सेप्ट और आइडिया टू क्रिएट सैटिस्फैक्शन अमंग कंज्यूमर्स, ये भी लिखा जा सकता है. ठीक है, अब आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट की हमें नीड क्यों है, जरूरत क्यों है. तो इसमें अलग अलग इसके रीजंस हो सकते हैं, नीड या रीजंस या इम्पोर्टेंस कोई भी चीज़ आ जाए. तो पहला, नया प्रोडक्ट नहीं आएगा तो मैं नए चीज़ों का इनोवेशन नहीं होगा. इनोवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है भाई, मेरी ग्रोथ डाउन जा रही थी, ग्रोथ रेट को दोबारा ऊपर लाने के लिए नए प्रोडक्ट ज़रूरी है. जब तक मैं नई चीज़ें नहीं लाऊंगा, नई चीज़ों को अडाप्ट नहीं करूंगा, नई नई चीज़ें अपने कंज्यूमर्स को नहीं दूंगा, तो मेरे को ग्रोथ कहाँ से मिलेगी. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी आ जाएगा. कॉम्पिटिटर से अपने आप को डिस्टिंग्विश रखने के लिए ये भी ज़रूरी है. नए प्रोडक्ट लाता रहूँगा, कॉम्पिटिटर से अलग रहूँगा, मार्केट में बना रहूँगा, वो सारी चीज़ें और भी चीज़ें इसमें आ जाएंगी. तो अब उसके बाद हम लोग चलते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जो कि है प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस. प्रोसेस के अलावा इसमें फैक्टर्स भी अगर आ जाए तो एक बार फैक्टर्स पहले डिस्कस कर लेते हैं. लाइक फैक्टर्स कौन से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. सबसे पहला क्या होगा कि लाइक अल्टीमेटली मेरे को अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, तो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है. भाई कंज्यूमर चाहता है मेरे को इकोनॉमिक प्रोडक्ट मिल जाए, यानी कि सस्ते से सस्ता सही, उसमें चाहे उसमें फीचर्स कम हो, लेकिन मैं कोई ऐसा डिज़ाइन बना दूं जो कि बहुत ज़्यादा लक्जरी है, कंज्यूमर मेरे को उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है. कंपनी रिसोर्सेज, लाइक कंपनी के अगर मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मैं ऐसा कोई डिज़ाइन बना दूं जो मेरी कंपनी के लिए फीजेबल ही नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो मेरी कंपनी को ही प्रोड्यूस करना है. तो वो चीज़ भी अपने आप आ जाएगी. उसके अलावा वर्क मेथड्स होते हैं, इक्विपमेंट होता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं. अब हम लोग आए हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट. ये हमारे एग्जाम में 100% आते हैं, लाइक ऐसा अब तक कोई भी ईयर नहीं गया जिसमें एग्जाम में ये ना आया हो. तो इसको थोड़ा ध्यान से सुन के समझ के चलेंगे. मैं हर एक स्टेज को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. बाई चांस कोई डाउट रह जाए तो लाइक कमेंट में लिख देना, वरना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ग्रुप को ज्वाइन करके मेरे से पर्सनली भी बात करके डाउट्स क्लियर कर सकते हो. सबसे पहला क्या है प्रोडक्ट डिज़ाइन वगैरह में, सबसे पहली चीज़ होती है आइडिया जनरेशन. जब तक मेरे को आइडिया नहीं आएगा मैं प्रोडक्ट का सोच ही नहीं सकता. आइडिया के बाद ही तो मैं फर्दर जाके आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता हूँ. आइडिया मेरे पास आ गया, आइडिया के बाद मैं आइडिया की स्क्रीनिंग पे गया. स्क्रीनिंग पे क्या गया, जनरेशन में तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ गई. बहुत सारी चीज़ों के बाद मैंने उनको छांटना चालू कर देता हूँ कि लाइक कौन सी चीज़ सही है, पॉसिबल है भी या नहीं, ये चीज़ अल्टीमेटली कस्टमर को बेनिफिट देगी नहीं देगी, देगी तो कितना देगी, मेरी कंपनी के लिए फिजिबल होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें मैं देख के चलता हूँ. उसके अलावा इसके मेरे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपने दिमाग में लेके चल रहा हूँ. बेसिकली आइडिया है, मैंने आइडिया को स्क्रीन किया, छाटा चालू किया, थोड़ा रिफाइन करना चालू कर दिया. उसके बाद मैं फर्दर गया, पेन चेंज कर देता हूँ, शायद ये स्केच पेन क्लियर दिखे ना. कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के ऊपर, बेसिकली जो मेरा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग है, इसमें मैं कई बार थोड़ी सी रिसर्च भी कर लेता हूँ. बेसिकली मैं रिएक्शन देखता हूँ कि लाइक जो भी मेरे कंज्यूमर्स वगैरह उनके क्या रिएक्शन आ रहे हैं नए प्रोडक्ट को लेकर. काफ़ी बार हम लोग देखते हैं कि हमें नए नए काफ़ी चीज़ें सैम्पल्स वगैरह आ जाते हैं, ऑल्दो मे बी प्रोडक्ट बनाओ या ना बनाओ, प्रोसेस में हो, लेकिन पहले ही कंपनी उसके रिएक्शंस लेना चालू कर देती है, सर्वेज वगैरह चलते रहते हैं. तो इसमें भी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में मैं थोड़ा सा आइडिया ले रहा हूँ अपने कंज्यूमर कि उनका रिएक्शन क्या है, क्या कॉस्ट तक वो इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कैसे फीजेबल ये रहेगा नहीं रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ. उसके बाद फर्दर हम लोग चलते हैं बिजनेस एनालिसिस. बिजनेस एनालिसिस पे मैं अपना बिजनेस फ्रंट को देखता हूँ कि लाइक मैं क्या सेलिंग प्राइस रखूँगा, कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस करूँगा, कहाँ कहाँ सेल करूँगा, वो सारी चीज़ें. उसके बाद हम लोगों का आता है बीटा टेस्टिंग एंड मार्केट टेस्टिंग. भाई अब मैंने अपना सेलिंग प्राइस भी निकाल लिया, वॉल्यूम भी सोच ली, सारी चीज़ें सोच ली. अब इसके बाद मैं एक फिजिकल प्रोटोटाइप या मॉकअप बना के मार्केट में उतर जाऊंगा, कस्टमर के इंटरव्यू लूंगा, अलग अलग जगह जाके इसके प्रमोशंस वगैरह सारे अच्छे से दमखम से करने चालू कर दूंगा, और उनके फीडबैक के बेसिस पे ही अपने आगे की फ्यूचर की प्लानिंग करूँगा. उसके बाद इसका आता है टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन. भाई चीज़ें तो अब तक हमने सारी हमने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू तो देखा ही नहीं. टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन में मैंने वो सारी चीज़ें देखी कि लाइक सप्लायर इसके कैसे होंगे, प्रोग्राम वगैरह मैं कैसे इनिशिएट करूँगा, मैं इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, कैसे प्रोडक्शन आनी है वगैरह,
उन सारी चीज़ें, उन सबको मैंने ऑल दो पहले सोच ही गया था कहाँ करना है कैसे करना है, बट यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया। मैंने मार्केट से फीडबैक भी लिया, सब कुछ लिया, मैं अच्छे से सैटिस्फाइड हूँ। बेसिकली अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन चालू कर दी। प्रोडक्शन चालू के बाद लास्ट स्टेप इसका आता है कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन जैसे कि नाम से ही पता लग गया, प्रोडक्ट को मैंने लॉन्च कर दिया, मार्केट में उतार दिया, अच्छे से सेल वगैरह इसकी स्टार्ट हो गई। ये था मेरा प्रोसेस। इसके अलावा अगर इसमें अभी भी कोई डाउट आती है तो प्लीज़ कमेंट वगैरह मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। उसके अलावा कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग अस एंड डू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जिससे कि आगे जो भी अभी एग्जाम में लाइव सेशंस होंगे उसकी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। थैंक यू। Thank you.